भोलेनाथ की परिक्रमा लग रही है, वो सामने माता रानी का मंदिर है ये जो आप देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है, पीछे गणेश जी की विराजमान। तो चलो ऊपर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के कैसे हैं गाइस। तो आज हम आ चुके थे कश्मीरी पंडितों के मंदिर में, तो आपको आज कश्मीर का लुक दिखाएंगे यहाँ पे। तो मंदिर जो है कश्मीरी लुक के हिसाब से बना हुआ है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो आपके लिए हम लाए हैं सुंदर मंदिर अनंतपुर गांव में। आप देख रहे हैं चारों ओर का व्यू, कितना सुंदर व्यू है, चारों ओर का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो ऊपर माता जी का मंदिर बना हुआ है, तो आपको हम वहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो चलो बने रहो मेरे साथ। ऐसे ही हमने मंदिर के अंदर एंट्री करी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी की एक मूर्त लगी हुई है उस टाइम की, कश्मीरी पंडित द्वारा। तो चलो आपको नज़दीक से दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं। आप श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति देख रहे हैं, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और सामने मंदिर कश्मीरी पंडित का बहुत सुंदर व्यू। तो चलो आपको ऊपर ले चलते हैं और यहाँ का एक बार व्यू दिखाते हैं अनंतपुर गांव का। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अनंतपुर गांव है, कितना सुंदर व्यू चारों ओर का देख रहे हैं अनंतपुर गांव का। तो हम जो है मंदिर के अंदर आ चुके थे ऊपर, तो चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो आपको व्यू दिखा रहे हैं अनंतपुर गांव का, कितना सुंदर व्यू आया हुआ है। ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति मुरली बजाते हुए, कितना सुंदर दृश्य, मनमोहक, बहुत ज़बरदस्त आप देख रहे हैं। ये आप मंदिर का व्यू देख रहे हैं, संडे का दिन है तो गांव के ही आए हुए हैं कुछ बंदे दर्शन करने के लिए। तो सामने आप देख रहे हैं ये मेन मंदिर है। तो हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, और भोलेनाथ की परिक्रमा लग रही है, वो सामने माता रानी का मंदिर है ये जो आप देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं। जब मंदिर के अंदर आ चुके थे तो सामने भोले बाबा का परिवार माता पार्वती के साथ विराजमान है, ये हमारे नंदी जी। तो कुछ गांव के बच्चे भी आए हुए थे जो दर्शन करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं भोले बाबा विराजमान त्रिमूर्ति हमारे, बहुत सुंदर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। ये डोगी भी यहीं बैठा हुआ खाने पीने के लिए। तो ये परिक्रमा लग रही है भोले बाबा की, परिक्रमा लग रही है। डोगी हमें देखते ही भोगने शुरू कर दिया डोगी ने। तो आप ये देख रहे हैं नंदी महाराज यहाँ विराजमान, भोले बाबा का मंदिर और डोगी हम पे ही भोगी जा रहे हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर है कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाया गया। भोले बाबा विराजमान नंदी के साथ, त्रिमूर्ति भोले बाबा सपरिवार सहित। आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, हरी भरी वादियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में हमारे भोले बाबा का मंदिर, ये माता जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं जो कश्मीर 1998 में लड़ाई हुई थी और मुसलमानों ने उन पर जुल्म ढाया था, तो वो यहाँ पे आए थे। तो ये उन्होंने यहाँ पे आके मंदिर की स्थापना की थी। तो आप चारों ओर का लुक देख रहे हैं मंदिर का अनंतपुर गांव के अंदर, कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाया गया ये मंदिर, लेकिन इस टाइम फ़िलहाल बंद है, सुबह सुबह ही खुलता है। तो आपको सुंदर व्यू दिखा रहे हैं हम मंदिर का। तो चलो चारों ओर की परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की और भी दिखाते हैं आपको सुंदर व्यू। देख रहे हैं विराजमान चारों ओर का व्यू,
पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। क्रीम कलर का बना हुआ है मंदिर और कश्मीर की लुक आती है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त क्रीम कलर का बना हुआ है, इसमें कश्मीर की लुक आती है। आप देख रहे हैं कश्मीरी मंदिर, मेरे चारों ओर से व्यू देखें आप, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, व्यू बहुत ज़बरदस्त व्यू देख रहे हैं आप। तो हम आज जो है कश्मीरी पंडितों के मंदिर में आ गए थे आज, और बहुत सुंदर व्यू बना हुआ है, ज़बरदस्त आप देख रहे हैं मंदिर। तो आप मंदिर की लुक देख रहे हैं, ये गोल गोल बना ऊपर से हमारे यहाँ वी शेप में होता है, ये कश्मीरी लुक दे रखे इस मंदिर का, बहुत शानदार, ताकि कश्मीर का ही लुक आए, एहसास हो कश्मीर का। हेलो गाइस, गेट बंद है तो माता जी के दर्शन हम आपको यहीं से करवा रहे हैं। हम जाले में मंकी जी भी आए हुए थे, ठंडा की वजह से आते हैं, कुछ खाने पीने की वजह से आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये जा रहे हैं यहाँ से, आप देख रहे हैं मंदिर और माता जी की फोटो विराजमान। यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, चारों ओर हरा भरा एरिया, सुंदर व्यू आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अमरनाथ की गुफा फिल्माई गई है और फाउंटेन पार्क बनाया हुआ है, तो चलो दिखाते हैं। पीछे देख रहे हैं मेरे, ये अमरनाथ की गुफा दर्शाई गई है, पीछे आप देख रहे हो ये फाउंटेन बना रखा है, और ये मंदिर कितना सुंदर व्यू आ रहा है चारों ओर का, देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फाउंटेन। फाउंटेन रात के टाइम चलता है, इस टाइम तो बंद पड़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं फाउंटेन बना हुआ है बहुत शानदार, और अमरनाथ जी की गुफा दिखाई गई है जहाँ पर हमारे बाबा विराजमान है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू चारों ओर का, अमरनाथ की पहाड़ी का दृश्य दर्शाया गया है, बाबा भोलेनाथ विराजमान है, ये फाउंटेन है, रात के टाइम चलता है, दिन में बंद रहता है। तो चारों ओर का व्यू देख रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू है। और ये जो हमारा कश्मीरी पंडितों का मंदिर सामने अड़ंगपुर गाँव के अंदर। तो हमने गाइस मंदिर के दर्शन कर लिए थे और आपको भी कोना कोना घुमा दिया हमने मंदिर का, तो आप देख रहे हैं यहाँ का कितना सुंदर व्यू है। तो चलो अब हम नीचे की ओर चलते हैं, कुछ अगर देखने को मिलता है तो आपको वहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं माता जी का मंदिर, कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाया गया था ये, चारों ओर का व्यू आप देखते ही बनता है, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। तो चलो गाइस चलते हैं नीचे एक बार, आप सामने देख रहे हैं ये अड़ंगपुर गाँव है, और ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर बना रखा है, और झंडा लहरा रहा हमारे कृष्ण भगवान जी का, तो यहाँ पे। तो गाइस हमने माता जी के दर्शन कर लिए थे, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हमें यहाँ से नीचे जाना है, तो यहीं से हम ऊपर आए थे, लगभग 300 सीढ़ियाँ बैठती हैं, सांस और चढ़ जाता है यहाँ तक आते आते।